Hello friends, good morning, this is Jesus and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today I am going to take English grammar class of standard 1. Please open your book. In last class I have discussed the exercise और इसमें मैं बताया था कि यहाँ पर जो आप पेज नंबर 11 में देख रहे हैं राइट तो यहाँ पर मैं बोला था कि चेंज टू टोस राइट चेंज यहाँ पर टोस के स्थान पर मैंने बोला था फिंगर करने राइट तो यहाँ पर फिंगर नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर टोस जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आप लोग जो टू में जो है उसमें आप टोस ही लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर टेन टोस भी होता है, टेन फिंगर भी होता है, तो नो नीड टू चेंज फ्रॉम टोस टू फिंगर। ओके, अब यहाँ पर टोल्स लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर टू। इन चैप्टर थ्री वी हैव डिस्कस ए एन एंड द। सो कब हम लोग ए यूज करते हैं, कब हम लोग एन यूज करते हैं और कब द यूज करते हैं। सो वी नो दे आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। हम लोग को मालूम है कि देर आर 26 लेटर है। हम लोग ए बी सी डी टिल जेड टोटल कितने 26 लेटर होते हैं, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश लेटर अल्फाबेट्स में हम लोग को 26 लेटर होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जिसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक वॉवेल और दूसरे कॉन्सोनेंट में। तो वॉवेल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या हो गए वॉवेल्स। टोटल कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं और जितने रिमेनिंग 21 है, 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ए ई आई ओ यू के आगे क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं, ए एन एन का यूज करते हैं और जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे हम लोग ए का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नीचे आप लोग को इमेज दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि किसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट है जो है उसमें ए लगा रहे हैं और कहीं हम एन लगा रहे हैं। तो कौन सा कॉन्सोनेंट है वो हम देखेंगे, फिर वॉवल्स देखेंगे। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है बुक, तो बुक क्या है, बी क्या है, मेरा वॉवल नहीं है, बी मेरा क्या हो गया कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं, ए बुक। ठीक है, ए हर्ट, एच भी मेरा क्या है कॉन्सोनेंट है, तो ए हर्ट, ए बॉय, ठीक है, ए हॉर्स, ए टीचर, ए डॉग, ए ट्री, ए चेयर, ए बेबी, ए डॉल, ए बास्केट, अ पेन। ठीक है, तो ऑल दिस नॉन आर सिंगुलर नंबर, ये सारे क्या सिंगल है, सिंगल है मीन सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन के आगे हम लोग क्या करते हैं, ए यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग उसमें एंड यूज करते हैं, मगर एंड कब यूज करते हैं, जब वो वर्ड मेरा स्टार्टिंग होता है वॉवल से। ठीक है, जो भी वर्ड अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे हम लोग एंड यूज करते हैं, जैसे एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एन आर्म। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ओ क्या है, मेरा वॉवल है, यू क्या है वॉवल है, ए क्या है वॉवल है, इनपुट में आई क्या है वॉवेल है। तो जो भी फर्स्ट लेटर मेरा वॉवेल है उसके आगे हम लोग एंड यूज करते हैं। सो वी राइट एंड बिफोर वर्ड बिगिन विथ ए ई आई ओ यू साउंड। ए ई आई ओ यू साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग ए एंड का यूज करते हैं और रिमेनिंग जितने भी वर्ड है उसके आगे हम लोग ए का यूज करते हैं। ठीक है, सो एन ऑफ, एन अम्ब्रेला, एन आर्म, एन इनपुट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन आई, एन ईयर, एन इंसेक्ट, एन एंट, एन ईगल, एन एलिफेंट। ठीक है, एन एप, एन ओल, ऑल। तो ये सब क्या हो गया मेरा, सब सिंगुलर नाउन है और ये स्टार्टिंग भी होते हैं वॉवेल से, ए ई आई ओ यू साउंड से। जब भी ए ई आई ओ यू साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम लोग एंड यूज करते हैं, और जब भी ए ई आई ओ यू साउंड से स्टार्ट नहीं होते हैं
उसके आगे हम लोग ए यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग ये जान गए एक्सरसाइज से हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज में क्या है हम लोग को ए और एंड का यूज करना है, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें क्या है फिल ए और एंड एंड मैच, हम लोग को ए और एंड का यूज करना है रिस्पेक्टिव जो आपके मैच हो रहे हैं उसके उसमें हम लोग को ए और एंड का यूज करना है। जैसे ऐप है, ऐप में हम लोग क्या यूज करते हैं एंड, ठीक है। एंड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टार्ट विद क्या होता है वॉवल्स होता है ए, तो ए से जो भी स्टार्ट हो रहा है या फिर ई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो या ओ से हो या यू से हो, ये ए ई आई ओ यू साउंड से जो भी स्टार्ट होते हैं वर्ड उसके आगे हम लोग एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो एन ऐप, ए लायन, ठीक है, ए जिराफ, एन एलिफेंट, एन ऑल, ठीक है, एन एंड, तो ये सब के आगे हम लोग ए और एन ऐसे यूज किए, ठीक है। तो अगर आप लोग बना लिए हैं तो इसको आप लोग डिवाइस देख सकते हैं इसमें क्या होगा एन एंड ऐप, राइट। सो ऐप है तो इसमें हम लोग ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन यूज किए, ठीक है। अ लायन है ना, अ लायन, यहाँ पर क्या होगा अ जिराफ, ओके, एन एलिफेंट, फिर यहाँ ऑल है तो एन ऑल, एंड के आगे एंड एंड, ठीक है, एंड हो गया एंड एंड, ठीक है। अब सेकंड क्या है राइट ए और एंड, अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें ए और एंड का यूज करना है, ठीक है। तो मैं बोलते जाता हूँ आप लोग इस तरह से मिलाते जाइए आपका आंसर सही है कि नहीं है, अगर रॉन्ग है तो इरेज करके उसको करेक्ट करना है। जैसे बंटी इज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक फैट बॉय, तो जब भी फैट बॉय है तो फैट क्या हो गया यहाँ पर फैट बॉय में क्या हो गया एफ क्या है उसका कॉन्सोनेंट है, तो जब भी वाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए यूज करेंगे, ओके। आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पर ए होगा, एप्पल, तो एन एप्पल, ठीक है। फर्स्ट में क्या था एफ मेरा क्या था कॉन्सोनेंट था तो ए यूज किए, यहाँ पर जी क्या है कॉन्सोनेंट है तो ए यूज किए, एप्पल में ए क्या है वॉवल है तो एन यूज किया, ऑरेंज में ओ क्या है वॉवल है तो एन यूज करेंगे, ओके। ऑरेंज, आई नो एन ऑरेंज इज अ जूसी फ्रूट, तो यहाँ अ जूसी फ्रूट, ओके। आई ईट ब्लैंक एग, तो एग में ई क्या है वॉवल, तो एन एग, ओके। तो थर्ड वन, थर्ड में क्या करना है कि आपको एक ट्रेन दिया हुआ है, ट्रेन में जब आप बॉगी देख रहे हैं ना बॉक्स में क्या है कुछ ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, एप्पल है, काउ है, इंजन है, डॉल है, इंकोट, स्नेक, एग, एलिफेंट, ये सारे क्या है ट्रेन के बॉक्स में है। तो ये जो ट्रेन के बॉक्स है ठीक है, इसके जो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आगे हम लोग को ए और एन का यूज करना है। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या है एप्पल, तो एप्पल में हम लोग क्या यूज करेंगे एन, ठीक है, एन एप्पल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इसको बनाना है। तो काउ, काउ में क्या होगा एक काउ, ठीक है। इंजन, एन इंजन, डॉल, अ डॉल, एन इंकोट, ठीक है, अ स्नेक, एग, एन सॉरी एन एग, एलिफेंट, एलिफेंट में क्या होगा एन एलिफेंट, ओके। सो लाइक दैट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। सो आई होप एवरीवन has written the correct answer. अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो इरेज करके ठीक कर।
कर सकते हैं. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ दी. दी का यूज हम लोग कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है. तो ये हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको कि हम लोग दी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कब करते हैं, राइट. तो जैसे हम लोग द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ठीक है, जब भी हम लोग को यूनिवर्सल चीज है या कोई यूनिक चीज है, ठीक है, तो उसमें हम लोग द का यूज करते हैं. या फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पार्टिकुलर पर्सन ने क्या या थिंग क्या था, टेक अ चेयर. जब हम लोग कोई भी चेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो ए यूज करते हैं. मगर द टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो, विंडो के पास जो चेयर है, तो हम लोग पार्टिकुलर चेयर के बारे में बात करें जो विंडो के पास है, तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है. अगर हम लोग को सुपरलेटिव सेंटेंस है तो उसमें भी हम लोग द यूज करते हैं. जैसे बेस्ट बॉय, गुड बॉय, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द गुड बॉय, द बेस्ट बॉय, द स्वीटेस्ट फ्लावर. ओके, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग लास्ट क्लास वीडियो देख सकते हैं. तो इन टुडेस क्लास विल डिस्कस द एक्सरसाइज. ओके, फिल इन द ब्लैंक विद राइट आर्टिकल. जिसमें हम लोग को फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स ए, एन और द का यूज करके हम लोग को ये फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, ठीक है. तो ए एन द फर्स्ट क्या है, स्टार्स आर शाइनिंग इन ब्लैंक स्टार, तो द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. तो यहाँ पर भी द हो गया और स्काई के पहले भी द हो गया, तो द स्टार्स, ठीक है, the stars are shining in the sky. तो आपको इस तरह से फिल करना है. गर्ल, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, ब्लैंक गर्ल इज होल्डिंग ब्लैंक अम्ब्रेला. तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर गर्ल के बारे में बात करें जो इमेज में दिख रहा है, एक लड़की है जो अम्ब्रेला होल्ड की हुई है. तो हम लोग किसी पार्टिकुलर के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं. तो द गर्ल, ओके, द गर्ल इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्या है, यू क्या होता है, वॉवल से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम लोग एन का यूज करेंगे. फिल इन द ब्लैंक, बेबी इज प्लेइंग विद अ ब्लैंक बलून. तो यहाँ पर क्या है कि मेरा, हम किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो बलून खेल रही है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बेबी है जो बलून खेल रही है. तो कौन बेबी है, तो पार्टिकुलर बेबी के बारे में बात कर रहे हैं जो बलून खेल रही है, उसी बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. हम किसी और बेबी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बेबी है मगर जो बलून खेल रही है बेबी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर द यूज होगा, ठीक है, द बेबी इज प्लेइंग विथ अ बलून. बलून से जो खेल रही है बेबी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो बलून के साथ, एक बलून के साथ जो खेल रही है उस बेबी के बारे में बात कर रहे हैं. इसलिए द बेबी इज प्लेइंग विथ अ बलून. बलून क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग यूज किए, ठीक है. देयर इज ब्लैंक एप्पल इन द ब्लैंक बास्केट. तो एप्पल यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, मेरा वॉवल है, तो एन एप्पल. तो एंड देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट. हम लोग कोई एक बास्केट है, पर्टिकुलर बास्केट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक एप्पल है. तो द बास्केट, तो देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट. ओके, फिल इन द ब्लैंक, बुक इज लाइंग ऑन ब्लैंक टेबल. तो यहाँ पर क्या होगा, ए बुक, कोई एक बुक है जो टेबल पर रखा हुआ है. तो ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. हम लोग यहाँ कौन सा बुक है, पार्टिकुलर बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और टेबल पर बहुत सारे बुक हो सकता है, उसमें हम लोग एक कोई बुक है जो टेबल पर रखा हुआ है, तो
उस टेबल पर रखा हुआ वो टेबल क्या है, मेरा यहाँ पर पार्टिकुलर टेबल है, ठीक है। यहाँ पर द भी यूज कर सकते हैं और ए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आइदर वो पार्टिकुलर बुक भी हो सकता है या हम लोग कोई एक बुक हो सकता है। तो हम लोग ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल बोल सकते हैं या द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पार्टिकुलर बुक के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे टेबल पर कोई एक बुक रखा हुआ है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ बुक कहाँ रखा हुआ है, तो द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अगर अगर सिंपल वे में बोलेंगे तो अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो यहाँ ए और द दोनों यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ए भी लिखेंगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड द भी लिखेंगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। तो अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ओके, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन है जो मेरा यूनिवर्सल थिंग है, राइट। यूनिवर्स में एक ही है जो एक सन है, राइट। तो जब भी यूनिवर्सल थिंग है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द का उपयोग करेंगे, तो द सन, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, द सन। यहाँ पर हम लोग क्या है, ए और एन दोनों यूज कर सकते हैं, सॉरी ए और द दोनों यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ओके। आइदर हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे, ठीक है। तो ए बुक, बुक इज लाइंग लाइंग ऑन द टेबल, ओके। फिल इन द ब्लैंक, पुट ए एन और द, ठीक है। पुट पुट अ सेवन वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड, अगर हम लोग को जहां पर आर्टिकल नहीं जरूरत है वहां पर सेवन लिखना है, बाकी सब जगह ए एंड और द यूज करना है। तो हम लोग देखेंगे कहां पर आर्टिकल यूज नहीं करने का जरूरत है, मगर जहां पर यूज होगा वहां पर हम लोग ए एंड और द का यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, ब्लैंक एप्पल इज ब्लैंक फ्रूट, तो एप्पल क्या है, वॉवल से स्टार्ट होता है, एंड एप्पल is a fruit and apple is the fruit, okay. B में blank umbrella is blank useful thing, so यहाँ पर क्या होगा, umbrella क्या है, U मेरा vowel है, right, so vowel के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, an, so यहाँ पर क्या हो गया, an umbrella is useful में U क्या है, vowel है, so यहाँ पर an useful thing, okay, so an umbrella is an useful thing, okay, so C, blank old man was riding blank ass, so यहाँ पर old man वो क्या है, vowel है, तो यहाँ पर क्या होगा, an old man, okay, an old man was riding as क्या है, ये क्या है, vowel है, so यहाँ पर an होगा, right, an ass, so an old man was riding an ass, okay, फिर से next में भी old man है, तो old man जहाँ है तो वो मेरा vowel है, तो an old man, okay, an old man was kind to us, यहाँ पर क्या बोल रहे, पहला में क्या, an old man was riding गधे ride कर रहा था, ठीक है। second में बहुत दयालु था, किसके प्रति, गधे के तरफ। तो next हम लोग चलेंगे, Indian Ocean is smaller than blank Atlantic, तो यहाँ क्या है, ये यूनिक है, राइट। तो ओशन में क्या आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, तो द इंडियन ओशन इज स्मॉलर देन द अटलांटिक, ओके। तो यहाँ पर हम लोग दोनों जगह द का यूज करेंगे, क्योंकि ये
यूनिक चीज है। और ओशन के आगे हम लोग क्या हम लोग पढ़े थे ना, ओशन सीज ठीक है माउंटेन ये सब के आगे हम लोग द का यूज करते हैं। ओके तो द इंडियन ओशन इज स्मॉलर देन द अटलांटिक। ओके नेक्स्ट ब्लैंक प्रिंसिपल इज कॉलिंग ब्लैंक योन। तो प्रिंसिपल, तो जब भी प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमेशा किसी एक स्कूल के एक प्रिंसिपल होंगे ठीक है, तो वो यूनिक होते हैं ठीक है। एक स्कूल में दो प्रिंसिपल नहीं होते राइट, एक ही होते हैं। तो द होगा द प्रिंसिपल इज कॉलिंग द प्यून या ए प्यून भी हो सकता है ठीक है। तो इज कॉलिंग अ प्यून, ओके द प्रिंसिपल इज कॉलिंग अ प्यून। ओके सो फाइन दैट्स इट फॉर दिस exercise. We'll read the next chapter. Thank you. And we'll go to the next chapter. What is that? The noun. So हम लोग noun के बारे में जानते हैं, कुछ कुछ हम लोग जानते हैं, जो हम लोग के आस पास जो भी चीज दिख रहा है, आपके आसपास कुछ भी दिख रहा है जिसका नेमिंग हो, उसका हम लोग नाम रखे हुए हैं ठीक है। आपके आसपास बुक है, चेयर है, टेबल है ठीक है, बेड है, आपके आसपास वॉच है, तो जो भी दिख रहा है वो आप क्या है, सारे का सारे चीज नॉन है ठीक है। जिसका भी नेम होता है जैसे चेयर, वो एक जो फर्नीचर है उस पर क्या नेम है, चेयर ठीक है। तो चेयर क्या हो गया, नॉन हो गया ठीक है। डॉल, डॉल क्या है, नॉन है ठीक है। बुक वो भी नॉन है, बेल नॉन है। तो आपके आसपास जो भी चीज दिखता है जिसका नेम होता है उसमें उसको हम लोग नॉन कहते हैं ठीक है। सो लुक एट दिस पिक्चर, नेम ऑफ थिंग, हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम हम लोग उसका बोलेंगे। क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या है अ चेयर ठीक है। फर्स्ट में क्या है, अ चेयर, a doll, a book, a bell. The word chair, doll, book and bell are name of things. ये सारे के सारे क्या है, things का नाम है ठीक है। तो जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है, things का name है। कौन कौन सा things है, chair है, doll है, book है, bell है, ये सब क्या है, name of things है ठीक है। name of place, अब हम लोग place का name देखेंगे। first क्या है, हॉस्पिटल, सेकंड शॉप, थर्ड क्लासरूम, फोर्थ पार्क। तो ये सब क्या है, प्लेस का नेम है ओके। फर्स्ट इमेज में क्या दिख रहा है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी एक प्लेस है आपका ठीक है। हॉस्पिटल में क्या, आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो जिस जहां आप जाते हैं वो उसे हम लोग क्या प्लेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग द वर्ड हॉस्पिटल, शॉप, क्लासरूम एंड पार्क आर द नेम ऑफ प्लेसेस, ये सब क्या है, प्लेसेस का नेम है। थर्ड क्या है, नेम ऑफ एनिमल्स, अब हम लोग कुछ एनिमल्स का नेम देखेंगे, जैसे लायन, काउ, एलिफेंट, डॉग, ये सब क्या है, नेम ऑफ एनिमल्स है ठीक है। वर्ड, द वर्ड लायन, काउ, एलिफेंट एंड डॉग, लायन, काउ, एलिफेंट एंड डॉग आर द नेम ऑफ एनिमल्स, ये सारे क्या है, एनिमल का नेम है ओके ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल्स एंड विल सी नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोग आसपास लोग भी देखते हैं, उनका भी नेम होता है, जैसे गर्ल, बॉय, टीचर, डॉक्टर, ये सारे के सारे क्या है, एक नेम है राइट। गर्ल्स हम लोग अगर देखते हैं आसपास में, तो आपके आसपास क्या है, गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, टीचर है, डॉक्टर है ना। तो द वर्ड बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर आर द कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, ये सारे के सारे कॉमन नेम है पर्सन के ठीक है, सारे के सारे कॉमन नेम है। अभी गर्ल में भी किसी गर्ल का नाम है ठीक है, बॉयज में भी बॉयज का, सिर्फ अलग अलग बॉयज का अलग अलग नेम है। तो यहाँ पर कॉमन नेम है सबका राइट, कॉमन नेम है। तो यह हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारे ह्यूमन बींग का कॉमन नेम है, इसको क्या बोलते हैं,
तो फर्स्ट इमेज देख के हम लोग बोल सकते हैं तो ये गर्ल है, सेकंड में बॉयज है, ये थर्ड में टीचर है, फोर्थ में डॉक्टर है. तो दीज आर द कॉमन नेम ऑफ द पर्सन, ये सब कॉमन नेम है पर्सन के. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन एंड थिंग. अब हम लोग पार्टिकुलर पर्सन में देखेंगे, जैसे मैन है, बॉय है, ठीक है, ये सब कॉमन नेम है, मैन, बॉय, डॉक्टर, ये सब कॉमन नेम है. मगर मैन में भी अगर मिस्टर मोहन, मिस्टर श्याम, ठीक है, तो ये जब हम नाम बोल रहे हैं वो किसी पार्टिकुलर, हम लोग किसी मैन का नेम ले रहे हैं, कॉमन पर्सन में से हम किसी एक पर्सन का नाम ले रहे हैं, मिस्टर मोहन. तो मिस्टर मोहन क्या है, एक मैन है, राइट. हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर है. तो हम लोग द हिंदुस्तान टाइम एज अ नेम ले रहे हैं कोई न्यूज़पेपर का. मिसेस गीता, तो ये एक वोमेन है, तो वोमेन का नेम हम लोग ले रहे हैं क्या, मिसेस गीता. द रामायणा, द रामायणा इज द होली बुक, तो हम लोग उसका नेम ले रहे हैं. बहुत सारा होली बुक है, कुरान है, रामायण है वहां, तो गीता है, तो होली बुक में हम लोग क्या है, द रामायणा. तो रामायण क्या हो गया, एक होली बुक है. द वर्ड मिस्टर मोहन, द हिंदुस्तान टाइम्स, मिसेस गीता एंड द रामायण आर द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन एंड थिंग. ये सारे के सारे पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के नेम है. द वर्ड मिस्टर मोहन, हिंदुस्तान टाइम्स, मिस्टर मिसेस गीता एंड द रामायण आर द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन एंड थिंग. ये सारे के सारे पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के नेम है. ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर थिंग्स के नेम है. ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन. द वर्ड विच आर यूज एज नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस और एनिमल आर कॉल्ड नॉट. हम लोग देखे हैं पर्सन देखे, थिंग्स देखे, प्लेस देखे और एनिमल्स का भी नेम देखे, राइट. हम लोग सबका नेम देखे ना, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ एनिमल्स. ये सारे के सारे जो वर्ड है यूज होते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, नॉन कहलाते हैं, वो सारे के सारे नॉन कहलाते हैं. द वर्ड विच आर यूज एज नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, द वर्ड विच आर यूज एज नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेसेस और एनिमल्स आर कॉल्ड नॉन. इसे नॉन कहते हैं, किसे नॉन कहते हैं, द वर्ड विच आर यूज एज ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल्स. ये जो भी नेम है किसी पर्सन के, किसी थिंग्स के, किसी प्लेस के और किसी एनिमल्स का नाम है, उससे हम लोग नॉन कहते हैं. ऑल नेमिंग वर्ड आर नॉन, जितने भी नेमिंग वर्ड है सब के सब नॉन है. द वर्ड विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, प्लेसेस और एनिमल आर कॉल्ड नॉन. तो आपको ये इसे रिमेम्बर करना है, व्हाट इज नॉन. जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज नॉन, तो यू हैव टू टेल द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल आर कॉल्ड नॉन. ओके, सो यू हैव टू टेल. और अगर आपके एग्जाम में भी आता है व्हाट इज नॉन, तो आपको लिखना क्या है, द वर्ड्स विच आर, जो वर्ड यूज होता है किसी पर्सन के नेम या थिंग्स या प्लेस का या एनिमल का नेम जो यूज होता है एज ए वर्ड, उसे हम लोग नॉन कहते हैं. आपके आसपास जो भी चीज दिख रहा है उसका नेम है उसको हम लोग नॉन कहते हैं. ठीक है, आपके आसपास एनिमल भी है, आपके आसपास पर्सन है, आपके आसपास थिंग्स है, ठीक है, थिंग्स में बुक्स है, पेंसिल है, सब कुछ नॉन है. प्लेसेस, ठीक है, अलीनगर इज अ प्लेस, दिस इज ऑल्सो अ नॉन. द वर्ड्स विच आर यूज एज नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल आर कॉल्ड नॉन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास. सो यू हैव टू मेक एक्सरसाइज, ओके, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस फर्स्ट. ओके, सो यू हैव टू इन होमवर्क यू हैव टू राइट रिमेम्बर चैप्टर 4. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर चैप्टर 4. ठीक है, that's it for today's class. We'll
we'll discuss the exercise in next class. Till that time, keep washing your hands, stay safe, and stay in home. Bye-bye.